प्लीज स्टे हियर, अभी थोड़ा ग्रिलिंग सेशन होगा। लेट्स सी लोगों को इस गाने में क्या क्या चीजें हैं जो पसंद आई है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। ये होने दे शुरू, ये जो गाना है ये मैं एक्चुअली धवन जो प्रोड्यूसर है हमारे, इनको मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ क्योंकि मैं एक फिल्म कर रहा था तेरा इंतजार, और धवन सेम ग्रुप से है। इनफैक्ट हमारे मेहुल भाई भी वहाँ बैठे हुए हैं जो तेरा इंतजार के प्रोड्यूसर हैं। और फिर इस गाने को कंपोज किया राजेश शर्मा ने, तो राजेश और धवन मिले और फिर इन लोग ने कंपोज करके मेरे पास गाना लेके आए। तो मैंने धवन को एक ही चीज़ बोली, मैं धवन को काफ़ी जानता हूँ, ही इज़ वेरी एम्बिशियस। मुझे 2-2.5 साल पहले उसने बोला था कुछ करना है, तो मैंने धवन को एक ही चीज़ बोली थी, इंटरफेयर नहीं करना और मुझे बड़े कैनवास पे शूट करना गाने को। एंड आई थिंक इनका पहला कोलैबोरेशन है, पहली बार इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा? पहली बार मतलब ऑफिशियली पहली बार है, बट तेरा इंतजार में तो वो इन्वॉल्व थे। मतलब बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फाइनली, यू नो, यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग? राजीव भाई ने तो बहुत अच्छे से मतलब ब्यूटीफुली शूट किया है ये गाना। इतनी होप नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा किया है। शायद ये राजेश भाई ने जो शुरुआत दी हमको ऑडियो बना के, उसके बाद ही ये सब फाइनलाइज हुआ है कि किस लेवल पे गाना जाएगा। और बहुत अच्छे ब्यूटीफुली कंपोज किया है, इट्स फैबुलस। लेट्स सी, अगर आप सबका प्यार मिला तो आगे मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू राजीव जी। यूजुअली जब लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलता है एक फीचर फिल्म दिखाने का या फिर एक शॉर्ट फिल्म दिखाने का, तो उन्हें कम लगता है कि वो कहानी बता सके। गाने में कहानी बताना कितना मुश्किल है। वही गाने कोरियोग्राफ करता हूँ जिसमें मेरा काम है। अगर कोरियोग्राफर का काम है तो फिर मैं गाना क्यों करूं? बट एक गाने में कहानी को बताना, जस्टिफाई करना उतनी ड्यूरेशन में, मुझे बहुत मजा आता है। अब मुझे 1 मिनट दो, उसमें मैं बता दूंगा। नाइस, ओके। मिष्टी जितना मिष्टी के लिए मैं बोलूंगा पहले, फिर हम लोग ने प्लीज प्लीज कास्टिंग का टाइम आया। मेरा धवन का बहुत चला, 2 महीने तक तो हम लोग कास्टिंग में लगे रहे। तो फिर रुस्लान को हम लोग ने पहले लॉक कर दिया, फिर लड़की की कास्टिंग आई। फोटोग्राफ देखे हो गए, धवन कितने देखे हो गए? फिर मैं मिस्ती से मिला। फिर मैं मिस्ती से, मतलब मेरी मिस्ती के साथ मुझे पहले भी काम करना, जब मैंने कांची देखी थी तो मुझे हमेशा था कि इसके साथ काम करूँगा। तो जब इसके फोटोग्राफ्स मेरे पास आए, मैंने इमीडिएटली बोला धवन को इसको लॉक कर दे, इससे बेटर चॉइस मिलेगी नहीं। आई थिंक आई हैव टेकन द राइट डिसीजन। जब भी मिस्ती का आया, हमने शायद विद इन 10 मिनट्स आज तक अपन ने लॉक कर दिया था कि नहीं ये डन कर दो। मिष्टी जितना मीठा आपका नाम है, उतने मीठे रोल्स मिलते हैं आपको, चाहे आपकी फिल्में हो या फिर कोई सिंगर हो। आर यू मैनेज टू गेट, यू नो, ऑल प्रोजेक्ट्स लाइक दिस वेयर यू आर लाइक दैट स्वीट ब्यूटीफुल? बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय डायरेक्टर्स लाइक राजीव सर जो मुझे पसंद करते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स लाइक हिम, यू नो, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस एंटायर टीम, यू नो, आवर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, माय को-एक्टर्स एंड द लिरिसिस्ट एंड द कंपोजर्स एंड एवरीबडी एंड द कोरियोग्राफर्स, यू नो. And I think it's a beautiful song. I can't say it will remind you of your first love, but it will definitely remind you of the second love, jo ekdam final wala love hai life mein. Yeah, so that way I think it's a beautiful song. It makes you fall in love all over again. So that's why I'm really happy to be a part of it. So aap logo ke jo bhi sawal hai aap please pooch sakte hain. राजीव जी, सबसे पहला फील ये आता है जब हम अमूमन इस जगह पे बहुत बार आते रहते हैं और इस तरह के एल्बम लॉन्च देखते रहते हैं, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा लगा, खास करके जिस तरह से लिखा गया है। अब हाउ डू यू प्लान दिस, की इस तरह का एल्बम प्लान करना है और कैसे हुआ ये? मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं टी सीरीज सी के लिए। मेरा भी एक 3 महीने पहले अरिजीत का भी सॉन्ग आया था, तो लेकिन ये गाना मुझे ना राजेश ने दिया, राजेश और धवन ने। ये एक्चुअली मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने जितने भी वीडियोज़ किए मैंने गाने प्लान किए, लेकिन ये गाना उन लोग मेरे पास लेके आए। फिर ऑफकोर्स उसको मैंने मॉडिफाई किया मेरी तरफ से, राजीव ने उसको प्रोग्रामिंग की है इस गाने की, जो आप देख रहे हो पूरा राजीव ने किया है और दीपक ने लिखा हुआ है गाना। तो मेरे पास जब गाना आया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और फिर उसके बाद गाने में स्टोरी के बिना तो मुझे लगता नहीं कुछ एसेंस होता है, बिकॉज सिर्फ कोरियोग्राफ करो, सिर्फ डांस करते हुए दिखाओ तो फिर तो नॉर्मल गाना बन जाएगा। आपका फोकस बहुत सारी चीजों पे होता है ना, लेकिन जैसे बहुत सारी जैसे सेकंड हाफ में जो स्टोन वाला सीक्वेंस है, तो वहां पे मैंने उसको बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता है ना, वो अभी कश्मकश में चल रही है,
कि whether she should give it to her husband, मतलब she should go to her husband, और तो उसने बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए हैं और वो माइनोरिटी हम लोग मेरे एडिट में भी माइनोरिटी देख के उसके हिसाब से चला उसने भी बहुत अच्छा काम किया और उनकी केमिस्ट्री अच्छी है एंड मुझे स्पेशल थैंक्स धवन को बोलना है बिकॉज फर्स्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद उसने स्पेंड बहुत किया गाने में इंटरफेयर किया कि नहीं बिल्कुल इंटरफेयर मतलब एज अ प्रोड्यूसर आर्टिस्ट कौन लेना है लोकेशंस क्या डिस्कस तो बहुत करते थे हम लोग उसको भी सब चीजें भेजनी पड़ती थी मुझे ऐसा नहीं है पर इंटरफेयर कभी नहीं किया Yeah, he's a very good producer. Okay, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितनी जब इस तरह का सिंगर करते हैं तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एज एन एक्टर की बहुत बड़ी बात लेकिन बहुत कम लफ्जों में कह के बतानी जैसे अभी राजीव जी ने कहा एक्सप्रेशन स्पीक्स तो सब ऑफ कोर्स लाइक द एक्सप्रेशंस हैज टू बी वेरी क्रिस्प और आपको भी खुद से ऐसा लगता है कि वेदर कनेक्ट हो मैं बहुत बार राजीव सर से पूछती रही सर कनेक्ट होगा कि नहीं होगा बिकॉज इतना कुछ हम करते हैं लेकिन एडिट में वो प्रॉपरली वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये एक एक्टर के दिमाग में हमेशा चलता रहता है सो दैट इज इट अदरवाइज आई डोंट थिंक अगर आपके पास एक अच्छा टीम हो और एक अच्छा डायरेक्टर हो तो फिर सब कुछ बहुत आसान हो जाता है दैट्स व्हाट आई लाइक टू से परमिश्री आपने कुछ इनपुट्स दिए थे कुछ चेंजेस सजेस्ट किए थे नहीं नहीं No, I just, I always put inputs into my expressions. I put inputs into what I do, but otherwise, बाकी जो I think वो director का ही है. As I said, she's a very smart artist. वो follow करती है director को. वो भी बहुत एक बड़ा challenge होता है actors के लिए. सब actors director को follow नहीं कर पाते. तो कहीं ना कहीं है ना आप वो character से बाहर निकल. Because director is the only person who's seen the whole thing. अच्छा रुसलान का एक किस्सा बताना चाहूँगा. रुसलान है नहीं यहाँ पे. मैंने जब रुसलान को लॉक किया तो सब हो गया रुसलान तो इज अ वेरी फेमस उसका फेस इतना फेमस है कि ये गाना जिसको भी दिखाता हूँ बिफोर रिलीज भी बोलते सर इसको देखा हम लोग ने तो रुसलान इज और स्टार ही है तो रुसलान मेरे पास जब शूटिंग के दिन आया रतन भी था मेरे साथ रतन इज माई को डायरेक्टर तो उसने बीएड पहना बीएड थी रुसलान की तो मैंने बोला रुसलान शेव कब करेगा तो बोला सर इसी में बीएड में ही शूट करना है मैंने बोला क्यों तो बोलते नहीं सर आज ट्रेंड है आजकल आप देखिए रणबीर और सब बियर्ड मैंने बोला मेरा विजन ही नहीं है मैंने बोला मिस्ती जैसी लड़की शी विल नॉट मैंने उसको पूछा भी मिस्ती को यू विल फॉल इन लव फॉर दिस बियर्डेड गाय शी सेड नो तो बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था मैंने एग्जैजरेट मत कीजिए नहीं ऐसा नहीं बोला थोड़ा सा स्टबल तो अच्छा ही लगता है लड़कों को अच्छा वो मैंने नोटिस नहीं किया उसको तो मैंने फिर रुसलान ने मुझे बोला आई विश रुसलान वाज हियर तो बोला सर डिफरेंट लगेगा मैंने बोला आई एम सॉरी मैंने उसको वैसे ही मजाक में बोला कि तू मेरे साथ काम करे तो वैसे ही डिफरेंट लगने वाला है नो क्या वर्क करेगा बट मुझे जो समझ में आता है मुझे लगता है हर डायरेक्टर वही करता है जो उसको समझ में आता है राइट और रॉन्ग तो वो रिलीज के बाद ही पता चलता है ना अदरवाइज फिल्में फ्लॉप नहीं होती हिट नहीं होती कोई कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मुझे तो अच्छा लगा इसलिए मैंने किया और मुझे याद है जब मैंने ये स्टोरी इसकी कंसेप्ट करके राजेश को सुनाए थे तो राजेश क्या काफी बातें होती रहती फोन पे तो घबरा गया सर वीडो लड़की अब अपना मैरिड लड़की और क्या राजेश बोलो माइक सबसे पहले मतलब धवन भाई का फोन आया क्या राजेश भाई कुछ प्लान करते हैं कुछ गाना ज़्यादा नहीं है एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग बनाते हैं उसके बाद वो बड़े बनाएंगे अब ये एक्सपेरिमेंटल है तो बड़े कैसे होंगे यू कैन कैसे तो इन्होंने बोला कि भाई ये गाना पहले ऑडियो बनाते किसी कुछ बताएंगे नहीं शुरू कर दिया ऑडियो बना दिया बोला कि जितना पैसा लगे लगा दो और ज़्यादा लगा दो यहाँ नहीं लगे वहाँ भी लगा दो लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए सब लाइव किया तो राजीव भट्ट जो हमारे उन्होंने गाने का ट्रैक रेडी किया सब लाइव इंस्ट्रूमेंट फ्लूट वायलिन गिटार एवरीथिंग तो फिर राजीव जी को वालिया साहब के लिए फिर मैंने बोला धवन भाई को ऐसे आप तो जानते हो क्योंकि वही ले गए थे मुझे मिला नहीं धवन भाई जी कमलेश नहीं आए तो राजीव मतलब मैंने गाना सुनाया पहले तो गाना सुनाते उनको क्लिक किया ये गाना बहुत अच्छा बनाया है और गाने के बोल भी दीपक नूर ने बहुत अच्छे लिखे ही इज़ वेरी टैलेंटेड लिरिक्स राइटर तो फिर राजीव जी आपको बताएंगे आगे क्या फिर उन्होंने बताया यार इसके लिए कास्टिंग बड़ा मुश्किल पड़ रही है इस शुरू हुई यूथ ओरिएंटेड सॉन्ग है तो लड़की कोई नहीं मिल रही है दो महीने तक वेट किया सर ने कि भाई लड़की तो करेक्ट चाहिए फिर ढूंढते ढूंढते कम से कम 70-80 लड़कियों का देखा होगा पोर्टफोलियो
राजीव जी ने, धवन कोटरानी साहब ने, मैंने बोला यार देख लो आप लोग, फिर मिस्ट्री जी का फोटो फिर भेजा उन्होंने मुझे, देख लो ये, मतलब इनको तो देखने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं मिस्ट्री जी वेरी क्यूट फेस। तो फिर आगे फिर कहानी शुरू हो गई, फिर बनाया राजीव भाई ने। I like a man with little stubble. Okay, and this video. But actually, if I like somebody, I like him anyways. Like, I like him bald, I like him with or without beard. If I fall in love with somebody, it doesn't matter how he looks. We can talk about that later. Okay, and this, the video suggests that, is he asking you to... Already in love with me. He wants me to fall in love with him. Because, you know, like I had a past, like everybody has a past, and it takes some time to come out. I am Rajesh Sharma, composer of this song. ये सॉन्ग का म्यूजिक डायरेक्टर, और एक रोमांटिक गाना करने का बोला था धवन कोटरानी साहब ने कि रोमांटिक गाना करना, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा गाना बनाया दीपक ने, अच्छा लिखा है, और राजीव वालिया साहब ने तो कमाल का डायरेक्शन दिया है, तो आप देख इसी लिए गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया गाना। अच्छा, पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, एक आइडिया था इस तरह एक गाना बनाने का, वो किस तरह से जमनेट हो, वो किस तरह से? ये गाने का आइडिया धवन कोटरानी साहब था, जो हमारे बगल में बैठे हैं, गाने के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि भाई एक गाना हम प्लान कर रहे हैं, एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट सब बनाते हैं, बाद में बड़े गाने बनाएंगे, तो यही बड़ा बन गया है, आगे तो बड़े और बनेंगे वो आप सोच लो। तो उन्होंने बोला एक रोमांटिक गाना बनाओ, क्योंकि आजकल रोमांटिक चल रहा है, दौर चल रहा है रोमांटिक गाना। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं गया मिलने के लिए धवन भाई से, तो उन्होंने एक कुछ ब्रीफिंग दी हमें कि ऐसा ऐसा रोमांटिक सॉन्ग बनाओ, छोड़ो, बढ़िया सिंगर लेना है, बड़ा डायरेक्टर लेना है, बड़ा लीडर, सब कुछ बड़ा चाहिए। वो फिर बनाया और बनते 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 बहुत अच्छा गाना बन गया ये गाना। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भी टीम वर्क से काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, और आजकल क्या हो गया, दौर सब चलता है मिलियंस पे, कितने मिलियन मिल रहा है, 50 मिलियन, 20 मिलियन, 45 मिलियन, व्हाटएवर जो भी चल जाए, बस अगर गाना इतना अच्छा बना है तो आगे बहुत अच्छे से जाए, तो बस वही सोच के आज ऐसा मन बना के आए हैं। डॉक्टर अच्छा, तो मुझे वहाँ देख के बोलना, कनेक्टिविटी टूट जाती है, मैं कनेक्शन वाला डायरेक्टर हूँ। मुझे लगता है ये जो होने दे शुरू है, इसमें अगर आपने मेरे बाकी के गाने देखे होंगे, या अभी जो मैं सॉन्ग्स प्लान कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा स्टोरी को ये देता हूँ, और स्टोरी को मैं क्या करता हूँ, विजुअली बहुत खूबसूरत शूट कर लेता हूँ, कैमरा मूवमेंट्स अच्छे रखता हूँ, लाइटिंग, मेरे जो DOP है वो जॉनी लाल है, वो आज आए नहीं अपने सामने, बट फिर जीप का बहुत यूज़ करता हूँ, ड्रोन यूज़ करता हूँ, तो टेक्निकली गाने को लोकेशंस के साथ है ना, नरेशन के साथ खूबसूरत बना देता हूँ, और मुझे स्टोरी नरेट करने में बहुत मज़ा आता है। अगर स्टोरी नहीं होगी गाने में, मुझे आप कोई भी डांस नंबर भी दोगे तो उसमें भी मैं कुछ स्टोरी डिस्को में क्रिएट कर दूँगा। अच्छा सर, फाइनली कब होने वाला है ये गाना? जी म्यूज़िक रिलीज़ कर रहा है, और इनफैक्ट रिलीज़ हो गया होगा, आप अपने YouTube लिंक चेक कर सकते हैं, अभी वो रितेश को मिल जाएगा लिंक, और सेकंड कल से या परसों से ETC और Zing में आना ही शुरू हो जाएगा, और बस बाकी आप लोग सब, आई थिंक बहुत खूबसूरत मीडिया है, मैंने म्यूज़िक वीडियो के लिए इतना बड़ा मीडिया कभी देखा नहीं, सब वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे, एंड आप अभी आप लोगों के हाथ में इस गाने को प्रमोट करना, अगर आपको वाकई में अच्छा लगेगा तो इसको उसी तरह से प्रमोट कीजिए, तो गाना बड़ा बन जाएगा। हाँ, अभी ये गाना तो ख़त्म हो गया, खैर मुझे तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगा, क्योंकि ये गाना फिल्म की तरह ही है,
वो 25 फ्रेम्स 24 फ्रेम्स DPX DI जैसे मैं फिल्में जैसे तेरा इंतज़ार की थी, तो मेरा फॉर्मेट भी फिल्म होता है, कैमरामैन भी फिल्म होता है, फिर इक्विपमेंट भी फिल्म की तरह होता है, प्रोसेस भी फिल्म का होता है। तो मुझे ऑलमोस्ट डेढ़ महीना लगा इस गाने को बनाने के लिए। कल रात तक तो प्रोमो ख़त्म किए मैंने 30 सेकेंड और 60 सेकेंड। तो अभी ये इस गाने का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है फिजिकली मेरे लिए। अभी प्रमोशन का पार्ट है, इसमें प्रोड्यूसर का पार्ट ज़्यादा रहता है, और होपफुली आज शाम को हम लोग नेक्स्ट गाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग ने जो मैंने और धवन ने जो डिस्कस किया था वो मोस्टली हम लोग के राजेश भी इन्वॉल्व है हमारे साथ, वो शायद हम लोग राहत फतेह अली जी के साथ करना चाहेंगे। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ एक स्टोरी बेस्ड गाना जो मैं अब्रॉड शूट करूँ राज जी के वॉइस पे। तो वो नेक्स्ट गाने की प्लानिंग है। तो आज शाम को हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल धवन फिर से कच्छ निकल, धवन कच्छ से गुजरात से, बॉम्बे में रहते नहीं है, तो कल वो निकल जाएंगे। थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको वंस अगेन, मीडिया को, राजीव भाई को, राजेश शर्मा जी को, दीपक नूर को, और स्क्रीन के पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है। अरे कमलेश भाई कम, अरे एक बार आओ, अरे करो करो करो, ये हमारे पार्टनर है मेरे खास कमलेश भाई ठक्कर। Team, you know, starting from the producer to the director and the actors, you know, it was just mere liye to ye ekdam ghar jaise tha, aisa lag raha tha ki main apne logon ke sath picnic karne gayi hu, to bahut maza aaya. Okay, agar song ki baat kare kitna connect kiya aapne aur love story hai isme kitna connect kiya aur kya brief tha मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा, मैं मिस्त्री के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब उनकी कांची देखी थी, मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मैं मेरे को इंटरव्यूज़ में लोग है ना दूर रखते, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो बोलता हूँ, मुझे प्लानिंग आती नहीं है। तो मैंने मिस्त्री की, सुभाष जी के साथ भी मेरे अच्छे रिलेशन है, तो मैंने मिस्त्री की कांची देखी थी, मैंने हमेशा सोचा था इसके साथ मुझे कुछ काम करना है फिल्म का, मुझे नहीं पता था ये गाना करूँगा। और फिर कास्टिंग चल रही थी, फिर मिस्त्री के फोटोग्राफ्स मेरे पास आए, तो जो उनके जो मेरे कोई जान पहचान में ओपी नाम के सेक्रेटरी है जो कास्टिंग करते हैं, उन्होंने फोटोग्राफ भेजे मुझे मिस्त्री के। मैंने उसको बोला इमीडिएटली इसको मुझे कहा, मेरी मिस्त्री से तब तक बात नहीं हुई थी, मैं धवन को फोटोग्राफ भेजे, और जब मिस्त्री फाइनल की हम लोग ने, उसके बाद मैंने पूरा नरेशन मिस्त्री को फ़ोन पे दिया था, और जब नेक्स्ट डे मैं रिहर्सल पे मिला उसको पूरा नरेशन याद था। तो मैंने उसको पूछा भी आपको याद है नरेशन, तो उसने बोला पूरा वर्ड टू वर्ड याद है। ओके, तो इस सॉन्ग के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद आए थे, मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया था, एंड दीज आर द मेन थिंग्स। और एक सॉन्ग है जिसके जिसमें हमको एक पूरी कहानी बतानी है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी लगी थी मुझे, तो इसके लिए मुझे ये पसंद आया। इसके अलावा आप गाना भी गाती हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं गाना नहीं गाती हूँ? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आपने कभी कभी ऐसा गाना नहीं गाया? नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मैंने प्रोफेशनली तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ मैं गाना तो दिन भर ही गाती रहती हूँ अपने घर पर। एक्चुअली रुस्लान का एक नया शो स्टार्ट हुआ है, और मुझे लगता है उसको सडनली डेट्स का इशू बन गया, तो उसने मुझे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, और उसने सॉरी भी बोला है, और उसने मीडिया बाइक्स भी मैं उसके भेज दूंगा रितेश के पास, लेकिन वो बेचारा टाइट अप है, वरना वो डेफिनेटली आता, और वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन हुआ, तो आपको पता ही चल जाएगा दो वीक में उसका शो ऑन एयर होने वाला है। हाँ मैंने देखी थी। किसका परफॉर्मेंस? मिस्त्री का तो अच्छा ही, आप मैंने शूट किया तो मैं तो मुझे अच्छा, बाकी रोल कम है वो तो, लेकिन कम रोल था लेकिन वो तो अच्छा, मिस्त्री तो अच्छी आर्टिस्ट है, मैंने उसका पूरा गाना किया है, और मैंने पूरा गाना हम लोग ने स्पॉन्टेनियसली शूट किया, ऐसा भी नहीं कुछ होमवर्क किया है, हम लोग सेट पे डिस्कस, क्योंकि मैंने उसको बोला था स्पॉन्टेनियस ही रहना, मैं जब भी मैं आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ मैं उनको बांध नहीं देता हूँ, मुझे मैं पहले उनके प्लस पॉइंट्स देखता हूँ, प्लस माइनस क्या है, फिर मैं उनको उसके हिसाब से कैरेक्टर में डाल देता हूँ। तो मिस्त्री के साथ तो मुझे पता ही नहीं कब हम लोग ने शूटिंग की, ऐसा भी नहीं कि बहुत होमवर्क किया,
बिकॉज शी इज़ अ इंटेलिजेंट एक्ट्रेस और मैं बहुत प्रिपेयर था हूँ गाने को लेके, मेरा होमवर्क बहुत रहता ही है, मेरी टीम भी अच्छी है, रतन है, राजीव है, राजेश है, धवन बहुत इंटरेक्ट करता है मेरे साथ, कमलेश बहुत इंटरेक्ट करता है, तो हम लोग पूरा होमवर्क करके शूटिंग पे गए थे और मिस्ती ने तो बहुत इजीली किया परफॉर्मेंस। हमें लगा कि योर कैरेक्टर वॉज वेरी पावरफुल इन द फिल्म, बट देन अगेन देयर वर सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम हुई और आपके कैरेक्टर को भी कभी ना कहीं हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस तरह से कैरेक्टर आगे बढ़ सकता था लेकिन बढ़ा नहीं। जी जी, व्हाट डू यू वांट टू से, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं बट आपका एग्जैक्टली हमें हमें कुछ कुछ नहीं मिल पाया, प्लीज आप अगर कुछ इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे। ओके, तो मुझे एग्जैक्टली जो कहना था आई थिंक मैं कह चुकी, अभी हम इसको ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे तो इट विल नॉट गो एनी वेयर, हम बोलेंगे उसके काउंटर में जवाब आएगा फिर हम बोलेंगे, तो इट नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट जब किसी भी आर्टिस्ट को आप साइन करते हो, भले वो कोई बड़ा स्टार हो नहीं हो, छोटे से छोटा इंसान भी हो, बट देन यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट एंड नॉट फॉर स्टारडम, यू नो। तो किसी को भी आप साइन करते हो उससे आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई आपकी ज़रूरत हमारी फिल्म में इतनी ही है और इतना ही आपका काम है, तो आपका जो भी होमवर्क है, काटना पीटना जो भी करना है वो प्लीज स्क्रिप्ट लेवल पे होना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम फिल्में बहुत टाइम तक शूट करते हैं, कभी कभी 100 दिन तक हम शूट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पार्ट आपका यू नो स्क्रीन पे रखे, तो थोड़ा बहुत तो कटेगा ही, वो बनता है कि हर फिल्म में थोड़ा बहुत कटता है, लेकिन अगर आप अननेसेसरीली जस्ट टू यू नो जस्ट टू ग्लोरीफाई योर सेल्फ, अगर आप किसी को डिमिनिश करते हो वो बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से, और आई डोंट थिंक कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट या ऐसा करेगा, कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, मैंने बिल्कुल बात नहीं की, बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर आपको ऐसा ही लगा था तो आप स्क्रीनिंग में क्यों थी, जाहिर सी बात है क्योंकि स्क्रीनिंग से पहले मैंने फिल्म देखी नहीं थी, यू नो स्क्रीनिंग में मैंने पहली बार फिल्म देखा और स्क्रीनिंग में देखने के साथ साथ इमीडिएटली मेरी किसी से बात नहीं हुई, आई जस्ट लेफ्ट द थिएटर एंड उसके बाद ना तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो भी इंटरव्यूज़ आप देखेंगे वो उसके पहले से हैं, जो भी फ़ोटोज़ आप देखेंगे वो स्क्रीनिंग के पहले के हैं, जो भी मैंने अच्छी अच्छी बातें कही है, मतलब आई मीन मैं अभी भी फिल्म को अच्छा ही बोलूँगी, बट जो भी मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह है वो सब स्क्रीनिंग से पहले का है, तो डोंट कंट्राडिक्ट बाय सेइंग के लाइक मैं वहाँ पे क्यों गई अगर मुझे पसंद नहीं था, मैं इसलिए गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। जैसे इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कंगना को मजबूरी में डायरेक्शन की कमान संभालनी पड़ी, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कैसी मजबूरी, मतलब डायरेक्टर नहीं थे उसके लिए, इसके लिए उनको मजबूरी है? आपने डायरेक्टर से बात की? But lot of news report has come that time and they clearly mentioned that the director was left the film. Why you have not told me before? देखिए हमारे देश के, ये हमारे देश की नहीं मतलब एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। अगर आप बात करो तो पब्लिसिटी के लिए बात करो, अगर आप बात नहीं करो आप चुप हो मतलब आप गलत हो, तो क्या करें भाई, यू नो डायरेक्टर पहले इसके लिए चुप थे कि उनकी बातें कहीं फिल्म को अफेक्ट ना करें, और किसी ने कोई बात इसके लिए नहीं की फिल्म के रिलीज तक के फिल्म को अफेक्ट ना हो, लेकिन उसके बाद जब उनको लगातार कॉल्स जा रहा था और सब पूछ रहे थे, ही हैड टू कम आउट एंड स्पीक, बट आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उनका प्लान था वो फिल्म के एक दो हफ्ते बाद बात करें, यू नो दैट वॉज हिज प्लान, बट देन पीपल केम टू हिम डायरेक्टली एंड दे वर आस्किंग हिम, एंड कब तक कोई चुप रहेगा? तो अभी सच बात ये है, जितना मुझे पता है, जितना और भी आई थिंक 90% लोगों को ये पता है, भले कोई बोले या नहीं बोले, डायरेक्टर ने पूरी फिल्म कम्प्लीट की, ऑब्वियसली आई वॉज देयर इन द शूट, आई नो उन्होंने कितना शूट किया, पूरा फिल्म कम्प्लीट हुआ, उसके बाद वो यू नो ही उन्होंने प्रोड्यूसर से और कंगना से सबसे ये बात बोली कि यू नो लाइक आई नीड टू साइन अप इन डाउन साउथ,
तो NTR की जो बायोपिक है तो वो मैं साइन करके आके आई कंप्लीट द पैच वर्क, जो थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी रहता है। तो उसके बाद वो वहाँ पे गए, उसके बाद ही वांटेड टू कम एंड कंप्लीट द पैच वर्क, लेकिन तब तक यहाँ पे डिसाइड हो गया था कि इन्हों फिल्म को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है और कौन सा कैरेक्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सो ही वॉजेंट वेलकम आफ्टर दैट, यू नो द डायरेक्टर वॉन्टेड टू कम बैक एंड डू द पैच वर्क बट ही वॉजेंट वेलकम ऑन आवर सेट्स। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आपने जो कुछ बताया, क्या ये सिर्फ ईगो मैटर, किसी के ईगो का अहंकार का मैटर जिसकी वजह से ये सब? ये डिसाइड करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। लेट पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड लेट देम डिसाइड ईगो के लिए है या किसका ब्लेम है क्या है। मैं किसी को ना तो ब्लेम कर रही हूँ ना किसी के ईगो के बारे में कुछ कह रही हूँ। मैं बस वो बता रही हूँ जो हुआ है। आई एम जस्ट द नरेटर ओवर हियर। आई एम जस्ट नरेटिंग व्हाट हैज हैपेंड माई एक्सपीरियंस एंड आई एम ऑल्सो नरेटिंग व्हाट हैज हैपेंड टू द डायरेक्टर और जो सब नहीं है। लेकिन मेरे तरफ से तो वो गलती हो जाएगा ना। तो मैं तो कभी ऐसा कोई फिल्म नहीं करूँ जिसमें आर्टिस्ट डायरेक्टर है, यू नो। सो अ फिल्म ऑलवेज डायरेक्टर को न्यूट्रल होना है। डायरेक्टर कैन नॉट बी बायस्ड अबाउट एनीथिंग। डायरेक्टर के लिए फिल्म का हर पहलू उसके उसके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब फिल्म के पीछे एक सही डायरेक्टर वो होता है जो फिल्म के सबसे पीछे एक बैकग्राउंड डांसर भी ठीक तरीके से डांस कर रहा है कि नहीं, वो फिल्म के साथ उसका मैच हो रहा है कि नहीं, उसका भी ध्यान रखे। दैट इज़ वॉट अ रियल डायरेक्टर इज। रियल डायरेक्टर कभी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो सकता है। आर्टिस्ट हैज़ लिबर्टी टू डू दैट, अ डायरेक्टर कैन नॉट डू दैट। डायरेक्टर हैज़ टू बी फेयर टू एवरीवन इन द फिल्म। जैसे हमने बताया आगे का प्लान हम कर रहे हैं राहत जी के साथ और बिग फैन ऑफ राज फतेह अली, राजीव जी को बहुत पसंद है, मिस्टी को बहुत पसंद है। थिंक अबाउट नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ राज फतेह अली जी। बिल्कुल सिर्फ फिल्म साइन करने गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं आखिर और वैसे भी सिर्फ पैच वर्क बाकी था फिल्म का, सिर्फ पैच वर्क बाकी था और क्रिस्टर ने बोला था मैं आके कम्प्लीट करूँगा। ओके, तो क्या मुझे पता था? मैं यू थिंक आई एम ऑल्सो समबडी हु सिट्स एट द एडिटेबल टू सी मेरा कितना रखा गया कितना नहीं। डायरेक्टर को दिखाया नहीं जाता था एडिट। फॉरगेट अबाउट मी, आई एम नो वन, आई एम जस्ट स्टार्टेड, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। That's a $1 million question. Thank you so much.